नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। घड़ी में शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का, यानी कि जोहार की झारखंड की खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में नए डीजीपी को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस का सवाल है, हमसे क्यों नहीं पूछा गया। आपको यह भी बताएंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए का क्या प्लान है। वहीं हजारीबाग में लिफ्ट में फंसने से कैसे एक व्यापारी की जान चली गई, उसकी मौत हो गई, इस खबर को भी विस्तार से समझाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, यह खबर भी आपको पूरी तरह से बताएंगे। और शुरुआत करेंगे डीजीपी पर सियासी दंगल से। तो झारखंड को नया प्रभारी डीजीपी मिला है। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इसको लेकर अब सियासी दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया। इसी पर एक रिपोर्ट। झारखंड में नए डीजीपी पर दंगल। अनुराग गुप्ता बने झारखंड के नए डीजीपी। डीजीपी की कुर्सी से क्यों हटाए गए अजय सिंह। कांग्रेस का सवाल, हमसे क्यों नहीं पूछा। किस परिस्थिति में इस तरह का बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। झारखंड में अब नए डीजीपी को लेकर दंगल शुरू हो गया है। झारखंड के पुलिस प्रमुख की कुर्सी में फिर बदल। सरकार की सहयोगी कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। जब भी कोई इस तरह का बड़ा निर्णय होता है तो गठबंधन के साथियों को के साथ मिलकर के होता है। हो सकता है मैं दिल्ली रहा हूंगा, इसलिए इस संदर्भ में कोई बात नहीं हुई है। अब सरकार से बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, किस परिस्थिति में इस तरह का बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। इस पर बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि जो अंतर्द्वंद दिख रहा है वह चिंताजनक है। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो अंतर विरोध और अंतर द्वंद उभर कर आ रहा है, यह चिंताजनक है। ऐसे तो किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस और राजद के सहयोग से बनी है, आप उसी दिन से इसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये पूरा सरकार अंतर द्वंद और अंतर कलह से जूझता रहा है। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले वो एसीपी और सीआईडी डीजीपी रह चुके हैं और नए प्रभार के साथ ही वो एसीबी और सीआईडी डीजी का भी काम संभालेंगे। वहीं इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस का रिस्पॉन्स लॉ एंड ऑर्डर के प्रति अच्छा हो। अगर कहीं पर कोई घटना घटित होती है, पुलिस का रिस्पॉन्स बढ़िया होना चाहिए। पब्लिक की बात करें तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी पुलिस पब्लिक के प्रति संवेदनशील हो, पब्लिक की बात को आसानी से थाने में सुना जा सके, पब्लिक की शिकायत थाने में आसानी से दर्ज हो सके, और खास करके जो हमारे कमजोर वर्ग हैं या जो वृद्ध लोग हैं या जो महिलाएं हैं, उनके प्रति पुलिस एक अच्छा व्यवहार करे। चलिए अब जानते हैं कि अनुराग गुप्ता कौन है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता। तेज तर्रार आईपीएस अफसर के तौर पर इनकी पहचान है। अनुराग गुप्ता एसीबी और सीआईडी डीजी का भी काम देखेंगे। 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिली थी। प्रमोशन के बाद उन्हें डीजी ट्रेनिंग बनाया गया। अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। गढ़वा और हजारीबाग के एसपी भी अनुराग गुप्ता रह चुके हैं। रांची के एसएसपी की कुर्सी भी अनुराग गुप्ता ने संभाली है। लंबे समय तक बोकारो रेंज के डीआईजी भी रहे हैं। एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर काम करने का अनुभव भी अनुराग गुप्ता के पास है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले इस बदलाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ इसी तरह से हालिया लोकसभा चुनाव से 6 महीना पहले राज्य के मुख्य सचिव को बदल दिया गया था।
तब सुखदेव सिंह को हटाकर एल कियांगते को नया मुख्य सचिव बनाया गया और सुखदेव को आईटीआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक वैसे ही इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे के टॉप ऑर्डर को बदल दिया गया है, पर इस फैसले को लेकर खटपट शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पर अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इस रेस में एनडीए सबसे आगे दिखाई दे रही है। चुनाव की तैयारियों के बीच आज सुप्रमुख सुदेश महतो ने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि चुनाव कौन कहां से लड़ेगा। रूप से आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही है। ये प्रारंभिक बातचीत है। हम सभी लोग एनडीए और जनता, झारखंड की जनता एनडीए को इस प्रदेश में लाना चाहती है। उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि हमारा पहल, हमारा कार्यक्रम, हमारा निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम सभी मिलकर अभी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस रूप से, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़। और बात लिफ्ट हादसे की करते हैं। हजारीबाग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यापारी लिफ्ट में जाते ही सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। सावधान, लिफ्ट बनी काल। ये है खूनी लिफ्ट। लिफ्ट में जाने से लगता है डर। कहा जाता है कि किसी भी मशीन का कोई भरोसा नहीं कि वह कब खराब हो जाए, लेकिन अगर मशीन के खराब होने से किसी की जान पर बन जाए तो ये काफी खौफनाक हो जाता है। हजारीबाग में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। ये हादसा सदर थाना क्षेत्र के बंसीलाल चौक के पास हुआ। अपार्टमेंट के लिफ्ट की वजह से प्लाई व्यवसायी की जान चली गई। और वो पैसे से बिजनेसमैन थे, प्लाईवुड का बिजनेस था आनंद चौक पे, और यह देखने से प्रतीत जो होता है वह सही प्रतीत नहीं होता है। इसका छानबीन हम लोग अपने लेवल से तो कर ही रहे हैं। तो व्यक्ति की बॉडी जो है इस लिफ्ट के नीचे वो अंदर ग्राउंड फ्लोर में अंदर में गिरा हुआ, उसके सर फटा हुआ, सर से लगातार खून बह रहा है। उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने थाना प्रभारी जी और बाकी टीम के लोग आए थे और जब इसको देखे बढ़िया से, इसको जो पहला दृष्टांत जो है पहली नजर में जो समझ में आया, इसका थर्ड फ्लोर का जो लिफ्ट का जो ये वाला जो दरवाजा है, ये वाला खुला था, तो ये जब हमको जैसा लग रहा है कि ये सब खुला होगा, खोल करके अंदर गया और सीधे नीचे चला। ये घटना इतनी अचानक और दर्दनाक थी कि सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और लिफ्ट की तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। परिजनों ने लिफ्ट कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कभी लिफ्ट में फंस जाए तो क्या करें। लिफ्ट में फंस जाए तो क्या करें? बिल्कुल घबराए नहीं, गहरी और लंबी सांसें लें, इमरजेंसी अलार्म बटन दबाएं, खुद से दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करें। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्सर हमारी जरूरत ही हमारे लिए काल बन जाती है। रांची से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कैमरून से वापस आए मजदूरों की मदद करेगी सरकार, राज्य सरकार देगी योजनाओं का लाभ। 24 जुलाई को कैमरून से मजदूर आए थे, ये 27 की संख्या में मजदूर वापस देश आए थे। सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ दिया जाएगा। स्पेशल टीम का गठन कर संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद बनाए गए हैं नए नोडल पदाधिकारी। 72 घंटे के अंदर संबंधित जिले के उपायुक्त से मिलकर ये काम पूरा करेंगे। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। 24 घंटे के अंदर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मॉडल स्कूल में शिक्षकों की मांग छात्रों ने की थी, छात्रों ने शिक्षक की मांग को लेकर धरना दिया था। जिला प्रशासन ने खबर चलने के बाद संज्ञान लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मॉडल स्कूल में 3 अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। स्कूल में शिक्षकों की कमी से छात्रों की जो पढ़ाई थी वो प्रभावित हो रही थी, छात्र परेशान हो रहे थे। 3 शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा था। जैसे ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने खबर दिखाई,
अब 3 नए शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिया जा रहा है। और अब बात नीट पेपर लीक मामले की करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम इस मामले में जांच के लिए धनबाद पहुंची और एक युवक को हिरासत में लिया। सुदामडीह थाना इलाके के एक तालाब में जांच की गई, जहां से एक बोरा बरामद हुआ है, जिसके अंदर से मोबाइल समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने फिर से एक बार धनबाद में धमक दी है। सुदामडीह थाना क्षेत्र के एक तालाब में सीबीआई की टीम ने एक बोरे को बरामद किया और कहा जा रहा है कि उस बोरे में कई मोबाइल और अन्य वस्तुएं भी हैं। पटना सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई थी और पटना सीबीआई टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि यहां के एक युवक के द्वारा नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में उसकी संलिप्तता है, और जिसके बाद कंबाइंड बिल्डिंग से उस युवक को हिरासत में ली और पूछताछ के बाद सुदामडीह के एक तालाब ले गई और वहां पर तलाशी लेने पर एक बोरे की बरामदगी हुई है। फिलहाल सीबीआई की टीम उस युवक को लेकर पटना के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक एक दर्जन के लगभग आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना है कि सीबीआई की टीम को और क्या कुछ हाथ लगता है, और धनबाद में अगर वह तार जुड़ी है तो सीबीआई की टीम फिर से एक बार धनबाद में अपनी धमक देगी। संजय गुप्ता, News18 धनबाद। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में सरैया हाट थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़िता दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने भी पहुंचकर पीड़िता का हालचाल जाना है। बताया जा रहा है कि नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक दिया था। पीड़िता ने किसी तरह से कुएं से बाहर निकलकर जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस दुष्कर्म कांड का खुलासा कर दिया। स्वतः संज्ञान लेकर खुद जाके बालिका के जहाँ भर्ती है वो हॉस्पिटल में, हम लोगों ने वहाँ जाके उसका बयान दर्ज किया। उसको वहाँ के अधीक्षक से बात करके स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। उसको स्पेशल इलाज उनका हो रहा है। अभी वो खतरे से बाहर है, वैसी कोई समस्या नहीं है, और जहाँ भी जो इलाज में समस्या होगी हम लोग उसको दूर कराने का काम करेंगे। आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रस्ताव के साथ सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते सत्र से अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति सदन में गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सदन में एटीआर रिपोर्ट पेश की गई और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया। सीएम के साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत कई विधायकों ने शोक व्यक्त किया और सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वैसे तो सदन के अंदर आज हंगामा नहीं हुआ, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष आक्रामक नजर आया और रोजगार, अवैध खनन, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। गुरुवार को संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना की डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे की गूंज दिल्ली से लेकर आज रांची तक सुनाई दी है। लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, क्योंकि आदिवासी को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन है। यदि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी है तो उनको नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय सीमा की सुरक्षा करना, वहाँ घुसपैठ नहीं होने देना, ये भारत सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। कोई डेमोग्राफी का मामला नहीं, आंकड़ा आप देख लीजिए ना, 2011 का सेंसस में कितना था, उससे पहले कितना था, किसी के बोलने से आ रहा है। कोई बात आप रखें तो उसको तत्व तक आधार पर रखें। दादा आप लोग तैयार हैं राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए? अरे क्या केंद्र शासित राज्य का बात, मांग की है कल संसद में।
वो जो मांग कर रहे हैं चूंकि उनकी सरकार, मांग करने दीजिए। आज झारखंड जल रहा है, बंगाल का वो इलाका भी जल रहा है, और चाहे मालदा हो या उसके आसपास का जो इलाका है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जल रहा है, झारखंड का साहबगंज, पाकुड़ जल रहा है, ज्वालामुखी के मुंह पे खड़ा है। और ऐसे में बैठकर तमाशा देखना कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा ने कोई सर्वे कराया है, सेंसस कराया है, क्या कोई जो डाटा मिल रहा है उसके लिए कोई केंद्रीय एजेंसी उन्होंने कराया है? ऐसे हवा में बातें करने से तो होगा नहीं। और अब आपको निशिकांत दुबे का वो बयान सुनवाते हैं जिसने प्रदेश के सियासी गलियारों में घुसपैठ पर बहस छेड़ दी है। पॉपुलेशन 26%, 10% आदिवासी, कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और घुसपैठ पर बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। चतरा सांसद है कालीचरण सिंह, जिन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं 100% तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है, घुसपैठिए आदिवासियों से शादी कर रहे हैं। करीब 150 मुखियाओं के जो पति है वो मुस्लिम है। पिछले 5 सालों में क्या से क्या हो गया है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठिए मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनसे शादी कर रहे हैं, कहीं कहीं 100% तक मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, घुसपैठिए आदिवासियों से शादी कर रहे हैं। करीब 150 मुखिया के जो पति हैं वो मुस्लिम हैं, पिछले 5 सालों में क्या हो गया है? 10%, 15%, 20% की बढ़ोतरी किसी वोटरों की होती है, 133%, 100% वोटरों की बढ़ोतरी, कौन सा जियोग्राफी है, कौन सा सिस्टम है भाई? हम उठा रहे हैं, हो रहा है, वास्तविकता हो रहा है। बांग्लादेश से जो सटा हुआ हमारे जिले हैं, वो हो क्या रहा है कि वहां से आ रहे हैं मुस्लिम, यहाँ आदिवासियों से, भोले वाले आदिवासियों की लड़कियों शादी कर रहे हैं। 100-150 मुखिया हमारे आदिवासी हैं, उनके हस्बैंड मुस्लिम हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन हो रहा है, तो दूसरी ओर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इन लोग संस्कार में उल्टा पुल्टा बोलना, गाली देना, कितना गाली दोगे मुसलमानों को? आप कहते हैं बांग्लादेशी की बात करते हैं, आपने कभी सोचा है उन बाल बच्चों पे क्या बीतती होगी? हम तो एक बच्चों के सेमिनार में गए थे, सभी को हमने साइकिल बांटा, तो बच्चियों ने कहा हमसे कि सर हाथ जोड़ते हैं, हम लोग बांग्लादेशी मत बोलिए आप लोग, प्लीज ये राजनीतिक मुद्दा यहाँ मत लाइए आप लोग। बॉर्डर की हिफाजत, बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र के जिम्मे है, झारखंड पुलिस लगी हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो जहाँ सवाल करना, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड के जो मूल मुद्दे हैं, झारखंड के सवाल हैं, उनसे भटकाने की कोशिश है। आज पूरा देश कारगिल दिवस की 25वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे में जमशेदपुर के गोलमुरी शहीद स्थल पहुंचकर ओडिशा के राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने भी शहीदों को नमन किया और शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान शहीदों के परिजनों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। आपको जानकारी दे दें, साल 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में झारखंड के साथ साथ जमशेदपुर ने अपने कई वीर जवानों को खोया था। और भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को आज 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी नेता विनोद राय ने पूर्व सैनिक विनय यादव को सम्मानित किया और कहा कि भारतीय सेवा में जाना एक गौरव की बात है। देखिए कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सैनिक विनय यादव से न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने खास बातचीत की। अटैक किया जा रहा था तो प्रैक्टिकली और थ्योरी में अंतर होता है किसी भी काम करने में, लेकिन एक ऐसा हमारे को आदेश मिला जो कि ना प्रैक्टिकली में था कभी किए और ना ही थ्योरी में किए। हमारे को आदेश मिला कि अपनी बैरल एक एक फीट ऊपर कर दें और फायर करें। वो हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो गया कि ये क्या है। तो बाद में हमारे जो लीडर थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये डायरेक्ट शूटिंग में है और कवरिंग फायर दिया जा रहा है। पूरे चांदिल और ईचागढ़ विधानसभा की जनता के साथ हम विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद
और आभार व्यक्त करना चाहेंगे और उसके हौसले को हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में पूरे मुस्तैदी के साथ 3 दिन तक बिना खाए पिए लगातार पाकिस्तानी दुश्मनों को धूल चाटाने का काम किया। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।